हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इसके गाइडेंस। आज हम बात करेंगे एनएमडीसी रिक्रूटमेंट के बारे में। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से नोटिफिकेशन आई है फॉर द असिस्टेंट जूनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर एंड अदर पोस्ट के लिए। अभी हम डिटेल में देखते हैं इस पोस्ट के बारे में। अगर आप चाहते हो कि इस तरह की गवर्नमेंट की जॉब्स की अपडेट्स आपको टाइम पर मिलती रहे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट मैंने आपको बताया, मेंटेन असिस्टेंट एंड मैनेजर के लिए पोस्ट के लिए है। नंबर ऑफ वैकेंसी है टोटल 101। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों है। आपको ऑनलाइन भी अप्लाई करना है, देन ऑफलाइन आपको जो फॉर्म है वो सेंड करना होगा। इसका फॉर्म भरने का डेट चालू हो चुका है 28 दिसंबर 2017 से, एंड लास्ट डेट है इसकी 27 जनवरी 2018। ओके, जॉब कैटेगरीज का दिल्ली गवर्नमेंट जॉब के अंडर आता है। जॉब लोकेशन इंडिया है, ऑल ओवर द इंडिया से आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है www.nmdc.co.in। ओके, देखिए अभी हम हर एक पोस्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। अगर आप मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल के पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए टोटल वैकेंसी है 45। एंड उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, अगर आपने ITI से वेल्डिंग का कोर्स या फिटिंग या मोटर मैकेनिक या डीजल मैकेनिक या ऑटो इलेक्ट्रिशियन का कोर्स किया है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो, आप ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट्स फ्रेंड्स सब पोस्ट के लिए सेम है। मिनिमम एज है 18 होना चाहिए, मैक्सिमम 30 ईयर होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन और SC ST एंड PWD सेम है। SC ST के लिए 5 ईयर है एंड PWD के लिए 10 ईयर है। मेंटेनेंस असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए पे स्केल अराउंड 20,000 रहेगी पर मंथ। देन सेकेंड है मेंटेनेंस असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग के लिए 47 वैकेंसी है इसमें। अगर आपने ITI से इलेक्ट्रिकल ट्रेड का कोर्स किया है तो आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। इसके भी जो पे स्केल है सेम है, 20,000 रहेगी पर मंथ। देन थर्ड है असिस्टेंट फिजियोथेरेपी Grade 3 ट्रेनिंग। इसमें आपने अगर बैचलर डिग्री किया है फिजियोथेरेपी में फ्रॉम अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, और आपके पास अगर 3+ आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए हॉस्पिटल में तो आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। इसका भी पे स्केल है अराउंड 20,600 पर मंथ। देन फोर्थ है असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन के लिए। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है साइंस फील्ड से प्लस आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नीशियन होना चाहिए, या फिर आपने अगर 10th पास करने के बाद भी अगर सर्टिफिकेट कोर्स किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, और एल्स आपने डिप्लोमा किया है इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपने 2 ईयर का आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ लैब असिस्ट टेक्नीशियन अगर आपने ग्रेजुएट किया है। ओके, और अगर आपने 10th के बाद अगर कोर्स किया है तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। देन फिफ्थ है असिस्टेंट फार्मासिस्ट ग्रेड के लिए। इसके लिए भी एक पोस्ट ही है फ्रेंड्स खाली। अगर आपने डिग्री किया है फार्मेसी में या फिर डिप्लोमा किया है तो अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपने डिग्री किया है तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड अगर आपने डिप्लोमा किया है तो 6 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इसकी पे स्केल अराउंड 20,600 है पर मंथ। देन सिक्स्थ है असिस्टेंट डाइटिशियन के लिए। इसके लिए भी एक वैकेंसी है फ्रेंड्स। इसमें अगर आपने BSc किया है या फिर BSc ऑफ होम साइंस से किया है, और एल्स आपने डिप्लोमा किया है इन डाइटिशियन और BSc डिग्री इन न्यूट्रिशन किया है या डाइटिशियन किया है BSc से, BSc इन फूड एंड न्यूट्रिशन, तो फिर आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। इसका भी पे स्केल अराउंड 20,600 पर मंथ रहेगा। देन लास्ट है HEM Grade 3। इसके लिए 5 वैकेंसी है, एंड इसमें अगर आपने 3 ईयर का कोर्स किया है ऑफ डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑल्सो पोजेस अ वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास तो आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। इसका पे स्केल रहेगा अराउंड 21,220 पर मंथ। ओके, अभी हम उसका सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं। पहले आपका रिटन टेस्ट होगा जो कि 100 मार्क का होगा। देन उसका जो सेकेंड लेवल टेस्ट होता है ट्रेड टेस्ट, मीन्स आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके हिसाब से आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा। इसका एप्लीकेशन फ़ी देख लेते हैं। जो जनरल कैटेगरी या OBC कैटेगरी में आते हैं उनको 150 रुपये एप्लीकेशन फ़ी भरने होंगे, और जो SC ST कैटेगरी में या PWD में आते हैं तो उनको कोई फ़ीस नहीं भरना है। ओके, कैसे अप्लाई करेंगे आप, इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है www.nmdc.co.in, उस पर जाके आपको जो एडवर्टाइजमेंट है उसको डाउनलोड करके पूरा उसे रीड कर लीजिए। देन उसके करियर के सेक्शन में आप जाओगे तो आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आपको सारे डिटेल भरने हैं, आपका जो भी एडुकेशन डिटेल है या क्वालिफिकेशन डिटेल है। देन उसके बाद में आपको आपका जो फोटो है वो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, एंड डॉक्यूमेंट्स
अटैच करने हैं आपको उसमें, और फी पेमेंट आपको करना है, एप्लीकेशन फ़ी जो है वो अगर आप उस कैटेगरी में आते हो तो आपको उस सबमिट करना होगा, और फिर इससे आप सबमिट कर लीजिए ऑनलाइन, फिर बाद में उसका जो फॉर्म है उसको डाउनलोड करके आपको जो एक प्रिस्क्राइब उसका एक जो एक एड्रेस है उस पर आपको सेंड करना होगा। वो सारी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं, 20 दिसंबर 2017 से फॉर्म भरना चालू हो चुका है, इसकी लास्ट डेट है 27 जैन 2018, तो उससे पहले आप फॉर्म भर दीजिए। देखिए इसका नोटिफिकेशन लिंक दिया है, अप्लाई ऑनलाइन का भी लिंक दिया है, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। अभी हम थोड़ा सा नोटिफिकेशन लिंक देख लेते हैं, ये देखिए नोटिफिकेशन ओपन हो गया। ये तो मैंने आपको उसका पोस्ट का सब डिटेल दिया हुआ है, लाइक नंबर ऑफ वैकेंसी एंड क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। आप पर्सनली जाके भी इसे पढ़ सकते हो, कितना कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी सीट रिजर्व है वो भी सब दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे स्केल दिया हुआ है, कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन सब यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, बॉक्स नंबर 1352 पोस्ट ऑफिस हुमायूं नगर हैदराबाद 5000 2A तेलंगाना। ओके, इस एड्रेस पे आपको सेंड करना होगा, देन आपका जो एडमिट कार्ड है आपको बाय पोस्ट आ जाएगा, और इसमें हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो अगर आपको कोई डाउट है कोई क्वेरी है तो आप इसे इस पर कॉल करके आप पूछ सकते हो। सब एप्लीकेशन फ़ी वगैरह सब मैंने बताया हुआ है आपको। आपके जो क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट से वो सॉफ्ट कॉपी आपको रखने होंगे, देन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, 10th के सर्टिफिकेट अगर आप किसी कैटेगरी में आते हो लाइक कास्ट और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट तो वो आपको रखना होगा, एंड स्कैन सिग्नेचर आपको ऑनलाइन जो आपको फिलअप करने उसके रखना होगा, प्लस ऑफलाइन के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है। एडमिट कार्ड आपको थ्रू पोस्ट या ईमेल के थ्रू मिल जाएगा। ये देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे होगा, रिटन टेस्ट आपका 100 मार्क का होगा एंड दो पार्ट में होंगे, पहला आपका सब्जेक्ट नॉलेज होगा मीन्स आप कौन से ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होंगे जो 30 मार्क्स का होगा, देन सेकंड पार्ट आपका जनरल नॉलेज का होगा जो कि 50 मार्क्स का होगा, प्लस न्यूमेरिकल रीजनिंग एबिलिटी पे होगा जो कि 20 मार्क्स का होगा। ओके और जब आप रिटन टेस्ट को क्वालिफाई कर जाओगे उसके बाद ही आपका जो सेकंड लेवल टेस्ट है ट्रेड टेस्ट है वो होगा, उसमें क्वालिफाई करने के बाद होगा, देन उसके बाद में वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके, ये सब आप फ्रेंड्स पढ़ लीजिए पर्सनली जाके, कोई पॉइंट्स बिकॉज मैं सारे पॉइंट्स कवर नहीं कर रही हूँ तो आप डिटेल में पढ़ लीजिए ताकि आप अच्छी तरह से अप्लाई कर सको। अगर आपका क्वालिफिकेशन मैच हो रहा है आप एलिजिबल हो पोस्ट के लिए तो ज़रूर अप्लाई कीजिए, एंड अगर आपको कोई डाउट है कोई क्वेरी है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आंसर करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी थोड़ी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को ताकि इस तरह की अपडेट्स आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, ऑल द बेस्ट।